आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो पूरे देश में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी को जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस भी कहते हैं, जो करंट ईयर के प्राइस को यूज करके एस्टिमेट किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q into P। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी एंड पी स्टैंड फॉर प्राइस। नॉमिनल जीडीपी कब इंक्रीज होगा? जब या तो पी इंक्रीज होगा या क्यू इंक्रीज होगा। जब जीडीपी सिर्फ क्यू के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा उसको रियल इंक्रीज इन जीडीपी कहेंगे। जब जीडीपी सिर्फ पी के इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा तो उसको मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी कहेंगे। रियल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस, जो कि बेस ईयर के प्राइस को यूज करके एस्टिमेट किया जाता है। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू इंटू पी स्टार। क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी, पी स्टैंड फॉर प्राइस ड्यूरिंग बेस ईयर, जो हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा? जब बस क्वांटिटी इंक्रीज होगा। एक टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि होता है रेशियो ऑफ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। एक क्वेश्चन है जिसमें रियल जीडीपी दिया हुआ है 240, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 120, नॉमिनल जीडीपी क्या होगा? तो फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो 288 आ जाएगा। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का एग्जांपल है।